चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। और दिन का एक बज चुका है, मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ और अभी तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। कि आप लोगों को पता ही है मैं मायके में गई हूँ और वहाँ पर पूजा है, इसलिए मेहमानदारी भी हो रही है और टाइम भी नहीं मिल पाया मुझे। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं मायके से ही कर रही हूँ और अभी थोड़ी देर पहले हमने खाना खा लिया था। पूरा काम करने के बाद मैंने सोचा अभी थोड़ा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ और इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको, इसके बाद हम क्या क्या करेंगे दिन भर में करके, अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी मैं आपको। बने रहिए आप लोग। ये देखिए दिन के 2 बजने वाले हैं और हमने खाना खाने के बाद अभी आइसक्रीम खाने वाले हैं हम। ये देखिए रंजना निकाल रही है आइसक्रीम और कटोरे में रख रही है। देखो इतने सारे कटोरों में रख दिया रंजना ने। इतने लोग हैं हम सब, आज बहुत सारे मेहमान भी आए हैं कोई और परिवार भी है, सभी को बांट रही है रंजना। अभी एक डब्बा रखा हुआ है, अभी हम खाते हैं आइसक्रीम। आप लोग भी आ जाइए आइसक्रीम खाने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी गर्मी लग रही है ना यहाँ पर। मेरे मुँह में डाल दें। खुशी हाँ। कैसा लग रहा है आइसक्रीम? बहुत अभी तो खाया ही नहीं, देखने में ही अच्छा लग रहा है। देख के अच्छा, किसको खाओ हो रही होगी ना, देख रही है किसमें ज्यादा है करके। खुशी ले जा रही है बांटने के लिए। जा खुशी एक एक करके दे के आओ, पिघलने वाली है फिर, फटाफट जाओ। देखिए बागेश्वर का मौसम दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। 2 बजे का टाइम है और यहाँ पर हवा चल रही है, बहुत सारी हवा आ रही है यहाँ पर। अभी तो थोड़ी सा बंद हुई है, इससे पहले बहुत हवा आ रही थी। आज बोटिंग का दिन है तो सभी लोग अभी बोट देने गए हैं और हमारा तो इस बार छूट गया है बोट, क्योंकि हमें पूजा के चक्कर में ज़रूरी जाना था बागेश्वर, इसलिए इस बात का दुख भी है कि हम नहीं दे पाए करके। पर क्या कर रहे हैं, वहाँ भी जाना ज़रूरी था। अगर आज गाड़ी चलने वाली होती तो हम आज ही आते बोटिंग करने के बाद, तब हम आते, पर आज गाड़ी नहीं चलने की वजह से हमें कल ही आना पड़ा। कल भी यहाँ पर पूजा थी और आज रात को लगने वाला है यहाँ पर जागर, और पहाड़ी जागर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी हम क्या बना रहे हैं, नींबू बना रहे हैं हम, और बहुत सारे नींबू पड़े थे यहाँ पर। ज़्यादा लोग हैं तो नींबू तो ज़्यादा लोगों में ही अच्छा लगता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना नींबू बना लें। हम नींबू बना रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस प्रकार पहाड़ों में नींबू बनाते हैं और कितने सारे लोगों में कितना टेस्टी नींबू बनता है और उसमें क्या क्या डालते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। देखिए नींबू हैं ये, और ये नींबू अभी सानने की तैयारी हो रही है। मैं भूटती हूँ भंगीरा, भंगजीरा है यहाँ पर, भांग तो नहीं है, और मैं भंगजीरा भूटती हूँ, नमक बनाती हूँ और रंजना इनको काटेगी नींबू को। ये है भंगजीरा और इसको मैं भून रही हूँ। ये इसको भूनने के बाद अभी इसका नमक बनाऊँगी मैं, बहुत ही स्वादिष्ट नमक बनता है इसका, थोड़ा सा था ये। देखिए यहाँ पर रंजना नींबू छील के और उसको नींबू बनाने की तैयारी कर रही है। ये खुशी भी लगी है उसके साथ। खुशी आता है छिलना? हाँ छिल भी, आराम से छिलना। हाँ अच्छा, क्या क्या बना रही है ये देख लो। अनार भी डाली है इसमें, नींबू भी है, सेब भी लाई है, केला डालना, सेब भी है, केला भी है, अभी लाएंगे। तो देखिए मैंने नमक पीस के तैयार कर दिया है, अब मैं भी जाती हूँ जरा सी रंजना की मदद करती हूँ। लो खुशी इसको पकड़ो, और सब जाऊँगा ये तो कुछ नहीं लो। खा बहुत सब हजार फूल देखा था लो, अरे दुख लग रही है, एक गरी सो बिन काम है ना करी। मेरे दादी ने यहाँ पे
गुड़ काट दिया है और यहाँ पुआ नींबू छान रही है। तो दादी हम इसमें चीनी क्यों नहीं डालते हैं? भाई चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और गुड़ डाल के बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये नींबू में गुड़ ही डालना चाहिए, इसलिए हम गुड़ डाल रहे हैं। गिरेगा नमक, भंगीर बोलते हैं इसको, भंगीर। भांग अलग चीज है, भंगीरा अलग है। भंगीरा किस चीज से बनता है? इसका भी भंगीरे का ही पेड़ होता है। भंगीरा का है यहाँ पे लिख बंदे आए हाँ। आज तो नींबू में बहुत इंटरेस्ट आएगा भी। ये घर की दही है ना गाय की, माँ बहुत बढ़िया हुआ। गाड़ी गाड़ी और खाने वाले तैयार जी। अब ते पापा नहीं आते, पापा ने चीरे कहा तो देखिए रंजना वोट देने गई थी अभी यहीं पर स्कूल में, नजदीक ही प्राइमरी स्कूल है, ऊपर से आ गई वोटिंग करके। हाँ ये दिखा दो, ये देखा यार हमने तो मिस कर दिया आज का दिन, क्या करें ना। भीड़ हुई थी? नहीं तो नहीं हुई थी ना, शाम को कम हो रही थी तभी तो गई थी। हाँ जल्दी आ गई तो 10 मिनट ही नहीं लगा। खुशी ने तो नहीं दिया होगा ना, खुशी मेरे बदले के दे के आते, इसको भी लेके आया होगा वोट देने में, मेरे बदले का दे के आती फिर। हाँ हाँ रात के 8 बज चुके हैं और यहाँ पर सब्जी बन रही है और ये हेमा कर रही है बर्तन साफ। फिर वहाँ पर ये तो भाव को खिला रही है खाना। रात का जागर का है, उसको मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है और रात को जागर लगेगा तो देर रात तक उठना भी होगा, इसलिए आज रात का मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको, उसको मैं कल सुबह कल के ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। और आज के ब्लॉग को यहीं बस मैं तो करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देव, जय उत्तराखंड, जय भारत।